हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती है दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग को हमारे गोरखपुरिया भौजी ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर वीडियो नहीं जा रहा है, बहुत दिन हो गया, कम से कम 2 महीना हो गया वीडियो नहीं जा रहा है। तो मैं सोची हूँ कि आप सबको कुछ बात का जवाब भी देना है तो दे दूँ। तो दोस्तों बहुत लोग कमेंट में बोल रहे हैं हमसे कि भाभी जी जो छन गाड़ी चला रही हैं, बर्थडे में गिफ्ट मिला है, वो गाड़ी कितने का है। तो दोस्तों मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने पापा से पूछ सकूं कि पापा जी आपने ये गाड़ी कितने का खरीदा है, पहली बात। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि कितने का भी गाड़ी हो उससे हमें क्या लेना देना है। हमारे पापा आए, हमारी बच्ची को इतना बड़ा गिफ्ट दिए, और वो गिफ्ट देते चाहे नहीं देते हमसे उससे कुछ मतलब नहीं है। वो आ गए हमारे लिए, उससे बड़ी गिफ्ट और क्या हो सकती है। दोस्तों आप लोग बहुत लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हो। तो दोस्तों हाँ, ये सत्य है कि हम एक बार गलत वीडियो बनाए थे भाई को लेकर के। दोस्तों वो गलत वीडियो, तब भी वो गलत वीडियो नहीं था, वो भी भाई ही था, चाचा का लड़का भाई ही होता है। और आप लोग, मैंने पहले वीडियो में अपने वीडियो में कई बार उसको लिया हुआ था, मुझे लगा कि आप लोग उसे पहचान रहे हो, लेकिन आप लोग कुछ लोग पहचान रहे थे, कमेंट किए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं पहचान रहे थे तो नहीं बता पा रहे थे। तो दोस्तों वो मेरा हिमांशु जो है वो मेरे बड़े वाले पापा का लड़का है, तो वो भाई ही हुआ ना, छोटा भाई है। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे जो खुद के भाई 2 भाई हैं, दोनों मेरे भाई हैं। और मेरे जो बड़ा भाई है वो मेरे घर आता भी है, तो उसको मैं कभी बात करके वीडियो में लाऊंगी, लेकिन अभी दोस्तों बात करना पड़ेगा ना वीडियो में लाने के लिए। वीडियो में सब कोई तो वीडियो में नहीं आता है कि सबको वीडियो में लाएं। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि भाभी जी आप हमारे गिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोली। तो दोस्तों बार बार यही बात बोल रहे हैं कि जिसके गिफ्ट के ऊपर नाम लिखा होएगा उसका मैं ज़रूर नाम ली होगी। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए सर्च करके, और जिसका नाम नहीं लिखा होगा उसी का नाम बस हम नहीं लिए हैं, बाकी दोस्तों हम सबका नाम लिए हैं। अब बच्चे उसमें हल्ला कर रहे थे, मुझे पता है कि वो क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। और दोस्तों मैं उस दिन क्लियर तो अभी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि मैं ये तो कहिए कि उस दिन मैं माइक, मतलब ये माइक लगा ली थी, यहाँ पे माइक लगा ली थी तो थोड़ा सा आवाज़ आ गया। मुझे पता था कि बच्चे बहुत हल्ला करने वाले, बच्चे होते ही शैतान हैं जो गिफ्ट के लिए बहुत उत्साही रहते हैं। माँ बाप कुछ भी उनको दे दे उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन बाहर से कोई आदमी कुछ दे देता है तो तुरंत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग बोल रहे थे कि गिफ्ट के लिए ही वीडियो बनाई थी, गिफ्ट के लिए ही बर्थडे मनाई थी। दोस्तों कितना वो गिफ्ट, जो भी गिफ्ट मिला है वो हमारे किस काम का है आप ही लोग बता दीजिए, किस काम का है वो गिफ्ट का, हम क्या करेंगे आप ही बताइए। देखिए घर में पड़ा हुआ है पूरा, 2 से सोफा छिकाया हुआ है पूरा, ये गिफ्ट जब से आया है घर में पड़ा हुआ है वैसे ही। और कितना तो हम दे दिए इधर उधर, बच्चों में बांट दीजिए दिए, छोटे छोटे अगल बगल में बच्चे हैं तो बांट दिए। हमारे सरोज की बेटी भी ले गई, और हमारी देवरानी की बेटी थी उसके वहाँ थोड़ा सा दे दिए, मतलब हम इधर उधर दे दिए। क्या बेटा मुझे नहीं पता, जाओ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों यही सब बात है। और दोस्तों जो प्यार से प्यार से हमारी छन को गिफ्ट लेके आए थे, तो उसमें आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उनको कुछ बोले कि आप वीडियो के लिए गए थे। या फिर हाँ, एक सिस्टर आई थी, एक सिस्टर नहीं, बहुत लोगों का मैंने वहाँ पे हेल्प किया, बहुत लोगों के पास किराया नहीं था। ये दोस्तों ये गलत है, आप लोग गलत मत बोलिए किसी को कि कोई हमसे पैसा मांगा था। मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा था, हाँ मुझे कहीं से पता चला था कि वो कोई लेडीज़ थी आई थी, उनके पास किराया नहीं था तो मैंने उनको पैसा दिया था। और मैं, मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, दूसरे एक चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों मैं पैसा दी थी तो अपने चैनल पर वीडियो नहीं बनाई थी, मैं अपने चैनल के लिए वीडियो के लिए मैं वीडियो, मतलब ये क्या बोलते हैं, बर्थडे नहीं मनाई थी। चाहती तो मैं बर्थडे अपने घर पे मना लेती जैसे हर बच्चे का मनाती हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन हो गया था आप लोग से नहीं मिली थी, इसी वजह से मैं वीडियो मतलब बनाई आप लोगों के लिए। और हर बार दोस्तों बी पार्क में होता था, धूप लगता था, पानी नहीं पिला पाती थी आप लोगों को, खाना नहीं खिला पाती थी, कुछ जलपान नहीं करवा पाती थी, खुद मैं ही नहीं बैठ पाती थी। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत लोगों को एतराज़ है कि मैं बाउंसर लेके क्यों चल रही हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है इस समय, 2 महीने से आप लोग देख रहे हो,
जब से मेरा बेबी नुकसान हुआ है तब से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तभी से मैं दवा पे चल रही हूँ। और दोस्तों जब भीड़ लगता है तो आप लोगों को तो पता ही है कि किस तरह से भीड़ लगता है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और लोगों को बस अपने वीडियो के लिए ही वो लोग आते हैं। किसी को हम ये नहीं कहते कि सबको हमसे लगाव, हमसे प्यार है, दुलार है, तब लोग आते हैं। हमको पता है कि सब अपने मतलब के लिए ही आते हैं। तो दोस्तों इसमें बुरी बात क्या है, कोई अगर अपने मतलब के लिए आता है, अगर हम किसी के लिए अगर खड़े हो रहे हैं, अगर हम इसी पब्लिक के वजह से आगे गए हैं, उसी पब्लिक का अगर हम थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं तो कोई गलत बात है? आप ही बता दीजिए। अगर हम अपने बिटिया का जन्मदिन मनाएं, लोगों को खाना खिलाएं, दोस्तों आप लोग को शायद ये जानकारी नहीं होगा कि हमारे जन्मदिन में, जो हमारी बच्ची का जन्मदिन था, हमारी बच्ची के जन्मदिन में खाना घट गया था। 800 लोग खाना खाए थे, खाना घट गया था, फिर दोबारा खाना बना, फिर 400 लोग खाना खाए, 1200 लोग दोस्तों खाना खाए थे, बाकी बहुत लोग खाना नहीं खा पाए थे। दोस्तों इसमें कोई एस्टिमेट नहीं रहता है कि कितने लोग आएंगे, ये सोशल मीडिया है। दोस्तों ये चीज़ तो हो गया ना कि 2000-3000 प्लस लोग आ रहे हैं, तो इसी हिसाब से हमें अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ये पहला चांस हम जो भी फंक्शन किए थे, अगर कुछ मिस्टेक हो गया था हमसे तो उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। अगली बार जब भी हम छन का बर्थडे मनाएंगे तो इससे और भी अच्छे से मनाने का हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि कोई भी इंसान बिना खाए ना जाए, किसी के इंसान किसी भी चैनल में बिना, मतलब बिना बोले वो ना जाए, मतलब सबके चैनल में हम बोल दें। ये भगवान से हम दुआ मांगते हैं कि जो भी हमसे मिले उनका भलाई हो, उन आगे जाएं। और दोस्तों जो हैटर हैं वो तो हेट कमेंट करते ही करते हैं, तो दोस्तों आप लोग भी अपने दिल पे मत लो और मत बोलो कि भाभी फलनमा आपको ये बोल रहा है वो बोल रहा है। दोस्तों मैं इस कमेंट का जवाब नहीं देती, लेकिन आप ही लोग बोल रहे हैं कि भाभी फलाने आपको ये बोल रहे हैं, ढिकाने आपको ये बोल रहा है। तो दोस्तों बताइए हम किस किस का मुँह रोक सकते हैं, दुनिया है, बोलती है, बोलने दीजिए। जिस दिन मुझे लोग कमेंट में गाली दे रहे थे उस दिन तो मैं कुछ की ही नहीं, तो आज तो कमेंट में लोग हमें समझा रहे हैं कि भाभी इस तरह से करिए, ये करिए, वो करिए। हाँ कुछ लोग हैं जो बाउंसर के नाम पे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है लोगों को, तो हमें कोई ये ऐतराज़ नहीं है। बाउंसर अगर दोस्तों उस दिन नहीं होते तो शायद मुझे बेहोश हो जाती, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता। जितने भी लोग आए थे वो सारे लोग जानते हैं, भगवान जानते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा गर्मी था, फैन भी काम नहीं कर रहा था जब लोग मुझे घेर लिए थे, तो फैन चल रहा था बट काम नहीं कर रहा था। जब उस समय लोग मोबाइल में वीडियो प्रमोट करवाते वक्त मुझे घेरे थे तो वो बाउंसर ही थे जो हमारी प्रोटेक्ट के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए वहाँ खड़े थे। बाउंसर की वजह से मैं अच्छे खासे वहाँ सभी के चैनल में बोल पाई और सभी का मैं आदर सत्कार कर पाई, सभी के लिए मैं मीठा जलपान जो भी मेरे पास औकात था वो कर पाई। बाउंसर लोग खड़े थे तभी, नहीं तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं पीछे पीछे जैसे मैं जाती वैसे भीड़ लग जाता, ना मैं किसी को सही से खाना खिला पाती, ना ही मैं उनको भोजन करा। दोस्तों वीडियो पर मर्जी पता नहीं कैसे रुक गया था। तो दोस्तों बस आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि गलत कमेंट मत करिए, और जो बहन हमसे कह रही है मिलने के लिए, दोस्तों तो जो बहन है भाई हैं मिलने के लिए कह रहे हैं, तो हम जल्दी ही प्लान बनाएंगे मीटअप के लिए, आप सभी लोगों से मिलेंगे। और बाकी अगर हमारे स्टूडियो पे आना चाहते हैं आप, हाँ एक मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों आप लोग से यही कहना चाहते हैं, इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, बाकी कुछ अगर गलत बोले होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसका हम बर्थडे में नाम नहीं ले पाए थे वो कमेंट इस चैनल पर कर दीजिएगा, हिंदी में कमेंट अच्छे से अपने चैनल का नाम बोल दीजिएगा, मैं अपने चैनल पे ऑफिशियल चैनल से सभी का नाम बोल के प्रमोट करूँगी। दोस्तों बाकी वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।